बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मुल्तान, ये मैं 3 महीने में ये मेरा 3रा मुल्तान में जलसा है और मुझे हैरत होती है कि जब भी मैं आता हूं मुल्तान में, माशाल्लाह आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका शऊर हर बारी में मुझे जब मुल्तान की ये मैं बेदारी देखता हूं तो मैं आपके जज्बे को, जुनून को सलाम करता हूं। अब मुल्तान, आज मैंने आपसे कई बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं देखता हूं, जिस तादाद में आज मुल्तान में हमारी ख्वातीन आई हुई हैं, मैं खास तौर पे आज आपको सलाम भी करता हूं और आप सबके लिए मैं पैगाम, अपनी ख्वातीन के लिए मैं पैगाम जो देना चाहता हूं वो ये कि देखें, अपने बच्चों को आपने खास तौर पे एक चीज समझानी है। नौजवानों, ये आपके लिए भी है, हमने अपने बच्चों को समझाना है कि कोई मुल्क अजमत पे नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क की दुनिया में इज्जत नहीं हो सकती जब तक वो मुल्क अपना मुकाम नहीं समझता, जब तक वो मुल्क एक चीज अपने जेहन में नहीं डालता कि अल्लाह ने हमें पर दिए, अल्लाह ने हमें पर दिए, हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम अल्लाह की मखलूक, कोई जरूरत नहीं है कि हम जमीन के ऊपर चूंटियों की तरह रींगे। जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि हम सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है, हम सब में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को उठा सकते हैं, हम इसको वो मुल्क बना सकते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, एक मिसाली इस्लामी रियासत जो दुनिया के अंदर मिसाल बने कि असल में इस्लाम क्या है। तो मैं अपनी बहनों, आप सबको और अपने नौजवानों, खास तौर पे आपको, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से एक छोटा सा इंसान बन जाते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी ख्वाब बड़ी नहीं थी, सोचते नहीं थे बड़ा। जब थोड़ा सा कामयाबी होती थी मुतमईन हो जाते थे या पैसे के पीछे लग जाते थे। ये मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज रखना, ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। हजरत मूसा जब वो 40 दिन के लिए गए तो पीछे उनकी कौम
जो कुरान शरीफ में आता है कि सोने की गाय की पूजा कर दी, मतलब कि पैसे की पूजा शुरू हो गए। तो ये याद रखे कि ये जो मेहरबानों का मुखालिफ है वो भी पैसे के बुत की पूजा करता है, वो भी पैसे को बड़ा समझता है जिस तरह उसका लीडर आसिफ जरदारी समझता है। कभी भी मेरे मुल्तान के पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझो, सिवाय अल्लाह के। जब आप किसी के चीज के सामने झुकते हैं वो शिर्क है, चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है। आजकल मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो। मीडिया को धमकियां दी जाती हैं, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जाती हैं, एंकर्स को, सहाफियों को डराया जाता है कि इमरान खान के साथ ना चलो नहीं तो हम ये कर देंगे। तो मेरी कौम, ये सबसे खौफनाक बुत पैसे के बुत के अलावा खौफ का बुत है। खौफ भी एक बड़े इंसान को छोटा बना देता है। आज तक कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकला जिसने अपने खौफ को काबू नहीं पाया। आज तक कोई बड़ा फौजी नहीं निकला जिसको तगमे मिले हो, जिसने अपने खौफ के बुतों पर काबू ना पाया हो। बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जिसको नुकसान से डर, उस डर के ऊपर काबू ना पाया हो। कोई भी इंसान जो अपनी ख्वाब के पीछे जाने से डरता है वो बड़ा इंसान नहीं बनता। और इसलिए मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई। उसका मकसद क्या था, क्या मकसद था? उसका मकसद यह था कि मेरे बच्चों को, इस मुल्क के नौजवानों को पता चले कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे, वो कैसे उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कैसे उन्होंने उनको दुनिया की इमामत करवा दी। ये तारीख का हिस्सा है कि वो अरब जो मदीना में मक्का में बसते थे, उनके दोनों तरफ दुनिया की उस वक्त की अजीम सुपर पावर्स थी, इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में उनको ऐसा तब्दील किया, उनको छोटे से लोगों को बड़े इंसान बना दिया, उनके खौफ खत्म कर दिए। जो अल्लाह के सिवा जिन बुतों की वो पूजा करते थे, बुत खत्म कर दिए। वो लोग परवाज करते करते कई सौ साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया के अजीम तरीन कौम बन गए। इसलिए अल्लाह हमें हुक्म देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। इसलिए नहीं कि आप अल्लाह को फायदा पहुंचाते, इसलिए कि जब आप नबी के रास्ते पे चलते हैं, आप एक छोटा सा आदमी बड़ा इंसान बन जाता है, इंसानों को पर लग जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मेरी अपनी कौम को किसी तरह अपने नबी की सुन्नत पे चलाऊं, ताकि मेरी कौम भी एक अजीम कौम बने। और वो बननी थी जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, और जो मेरे लीडर कायद आजम ने जिसकी जदोजहद की थी, वो एक अजीम कौम थी। वो बननी थी, दुनिया के अंदर मिसाल हमने बनना था। उस रास्ते पे हमें वापस जाना है, और उसके लिए मुल्तान
हमें हकीकी आजादी की जद्दोजहद करनी है, हमने अपने मुल्क को आजाद करना है। ये जो बैरूनी मुल्क साजिश के तहत चोरों को ऊपर बैठाया, जो बैरूनी मुल्क के गुलाम हैं, जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े, ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से अपनी मुल्कों के हुक्म पे हमारे फैसले करते हैं। इनमें इतनी जरूरत नहीं कि जब रूस हमें सस्ता तेल बेच रहा था, जब मैं रूस गया और उन्होंने हमें सस्ती गंदम भी देनी थी, सस्ता तेल भी देना था, इन्हों में जरूरत नहीं थी कि इनका जो आका है, जिन्होंने इनको ऊपर बैठाया, जो अमरीकी साजिश के तहत आए कि कहीं अमरीका ना नाराज हो जाए। लिहाजा मेरे लोगों को महंगा तरीन तेल, डीजल, पेट्रोल और उसकी वजह से बिजली, हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क को आजाद करें। सबसे पहले मुल्क के फैसले पाकिस्तान में हो, हम अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करें। हमें कभी किसी और मुल्क के सामने हाथ ना फैलाने पड़े कि जब एक कौम किसी और मुल्क के सामने हाथ फैलाती है, उसकी इज्जत नहीं होती, हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होगी, जब तक हम अपने पैर पे ना खड़ा हो। और मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि जिधर इन्होंने मुल्क पहुंचा दिया है, जिस तरह के पाकिस्तान को इन्होंने 2 महीने में जो कर्जे लिए हैं, जिस तरह कर्जों की दलदल में भी गिर रहे हैं, हमारी मईशत भी नीचे जा रही है, हमारी इंडस्ट्री भी नीचे जा रही है, हमारे किसानों के लिए जो भी शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि कितने बुरे हालात हमारे आज किसानों के हैं, ट्यूबवेल में डीजल उसकी कीमत ऊपर, बिजली वो दुगनी से भी ज्यादा, तो जो किसान के पास पैसे, उसके खर्चे इतने चले गए हैं कि वो अपनी जमीन के ऊपर पैसा नहीं लगा सकता। इंडस्ट्री जब बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हमने दुनिया को एक्सपोर्ट्स करके अपनी दौलत में इजाफा कर रहे थे, याद रखें हमारे 3.5 साल में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में थी, सबसे ज्यादा बैरूने मुल्क ने पैसा पाकिस्तान में हमारे जमाने में भेजा, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया हमने किया। हमारे जमाने में 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, तारीखी उनकी पैदावार थी, किसान के पास तारीखी पैसा गया, किसान के पास जो उसकी आमदनी थी, कभी किसान को इतना पैसा नहीं मिला जो हमारे आखिरी 2 साल में मिला। और उसके अलावा हम हेल्थ कार्ड लेके आए कि इसके IMF के प्रोग्राम में होते हुए हमने अपने फैसला किया कि हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे। और ये एहसास प्रोग्राम हेल्थ कार्ड, फिर कामयाब पाकिस्तान में सूद के बगैर कर्जे, निचले तबकों को हमने पूरा प्रोग्राम था कि घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे। और ये तब जबकि हम भी IMF के प्रोग्राम में थे। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं
कि वो जो मुल्क ऊपर जा रहा था, एक साजिश के तहत उन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई, और जब से ये हुकूमत आई है कीमतें आसमानों पे, मैशत जमीन पे। और मैं आज आपके पास इसलिए आया हूं कि एक तो हमने इनसे अपने आप को आजाद करना है। आप सबने मेरे से वादा करना है कि इन इलेक्शनों के अंदर आपने सबने इसको अपना इलेक्शन समझना है, अपने बच्चों के, अपने आने वाली नस्लों के लिए आपने इन सबको शिकस्त देनी है। मुल्तान, आप तैयार हो? बताएं मुझे। तबाह खुशहाली कुछ देर की, एब्सोल्यूट नॉट, जो भी हमसे टकराए उसको जान ले। अच्छा मुल्तान, मैं जरा आज आप सबको तफसील में तो बताना चाहता था कि सारा दिन मैंने आज अदालत में गुजारा है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है इसलिए उस केस पे तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती यानी कि इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सारी दुनिया में अपनी उम्र में फिरा हूं, सारी दुनिया तकरीबन देख ली मैंने, एक नतीजे पे मैं आया मुल्तान के, खुशहाल मुल्क और उस मुल्क जिधर गुर्बत होती है, सिर्फ एक फर्क होता है, खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है, जिसके मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारा सबसे बड़ा मसला कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैंने 26 साल पहले से अपनी कौम को उनकी तरबियत करने की कोशिश की इंसाफ के अंदर, क्योंकि मैंने बरतानिया में जो निजाम देखा उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह यह कि वहां इंसाफ कोई कानून के ऊपर नहीं, ताकतवर के लिए भी वो कानून, कमजोर के लिए भी वो। हमारा मुल्क का अलमिया क्या है, मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम अपोजिशन को साथ मिला के चलो, जब मैं हुकूमत में था। अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों, मेरी एक बात सुन ले आप, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का की तो उन्होंने सब काफरों को माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया, लेकिन जब उनके पास एक दरखास्त आई, उन्होंने कहा, उनके पास आई कि जी कुरैश की लड़की ने चोरी की है, कुरैश की लड़की है, उनको सिफारिश आई कि उसको माफ कर दो। आगे से उन्होंने जवाब दिया, जो सबसे रहमदिल इंसान रहमतुल आलमीन दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे, उन्होंने कहा मुल्तान कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करे उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको भी सजा मिलेगी, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं, मेरी बेटी भी नहीं है। तो यहां जब से मैं 26 साल में पॉलिटिक्स आया हूं,
ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, 30 साल से बारियां ले रहे हैं, हमेशा मुझे ये कहा जाता है कि इमरान खान आप ये क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। जब आप ये कहते हैं कि फलाने ने इतनी करप्शन की, और वो जब जाता है नैब की अदालत में तो उसके ऊपर फूल फेंकते हो, जब एक माशरा बुराई को बुरा नहीं समझता, अपनी तबाही का दरवाजा खोल देता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म दिया कौम को, कौम को हुक्म दिया है कि अगर तुमने अपनी बेहतरी का सोचना है तो बुराई के खिलाफ जहाद करो। कहीं कुरान में नहीं लिखा कि बदी के साथ मुफाहमत करो। और मैं अपनी ख्वातीन को भी यह कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को यह जो हुक्म है अल्लाह का अमर बिल मारूफ, अच्छाई की तरबियत करें, अच्छाई और बुराई में फर्क बताएं। क्योंकि जो मगरब में मैंने माशरे देखे हैं वो वाकई अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, वो माशरे जिनको हम काफिर कहते हैं वो माशरे अमर बिल मारूफ पे चलते हैं, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हम तमाशा क्या देखते हैं कि छोटे चोर जेलों में और बड़े बड़े डाकू, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई असेंबलियों में चला जाता है। ये है हमारी दूसरी आजादी, हकीकी आजादी की जंग, कि हमने अपने आप को वो लोग जो माशरे के अंदर फितना है, जो कब्जा ग्रुप है, हमने इनका मुकाबला करना है। क्यों नहीं स्विट्जरलैंड में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्योंकि उनकी अदालतें ताकतवर को भी उसी तरह करती हैं जो कमजोर को करती। हर दुनिया का माशरा जो कामयाब है वह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं। हमने एक मिनट, 26 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी इसी चीज के ऊपर कि पाकिस्तान में हमने इंसाफ की जंग लड़नी, और मेरा मुकाबला इन दो करप्ट खानदानों के साथ था जो समझते थे कि इंसाफ के ऊपर है। कभी भी नौजवानों, जरा मैं आपको टीवी पर दिखाऊंगा, ये कभी नहीं हुआ कि एक जमहूरियत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया, ये कभी नहीं हुआ कहीं। ये जरा भी देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं, ये 1997 की बात है, पुलिस ने रास्ता दिया इनको, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये जरा देखें, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस से इनको नून लीग के गुंडों को जाने दिया, क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने लगा था जस्टिस सजाद अली शाह। और ये देखें कि पुलिस तमाशा देख रही है और डंडे लेके 1997 में, ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए।
दोबारा टॉप केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। ये मैं आपको ऐसे कॉमेंट्री दे रहा हूं जैसे क्रिकेट मैच की कॉमेंट्री हो रही हो। अब ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ गए और पुलिस तमाशा देख रही है। ये सुने, अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये किसी जमहूरियत में नहीं होता। सजाद अली शाह को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भगाया, वो जान बचा के भागा है जो चीफ जस्टिस था, और फिर इन्होंने जजेस को बाकियों को पैसा चलाया, ब्रीफ केस चलाए और सजाद अली शाह को हटाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके ऊपर। और ये वो लोग हैं जो आज मुल्क पे मुसल्लत है और आज कहते हैं चोरी हमने की है, हमें एनआरओ दो, हम कानून से ऊपर हैं। उधर वो नवाज शरीफ बैठा हुआ लंदन में, वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले मेरे केसेस खत्म करो, फिर मैं दूसरी दफा एनआरओ लेके पाकिस्तान आता हूं। मुझे ये मुल्तान बताओ कि छोटा आदमी तो भैंस चोरी, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, वो तो जेल में, तो जो अरबों रुपए मुल्क के लूट के बाहर जाता है वो कहता है कि मैं कानून के ऊपर हूं। और ये है जंग, इंसाफ की जंग है पाकिस्तान में। हम सब ने मिलके, जब तक हम इंसाफ नहीं, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये कौम आजाद नहीं होगी। थानों में जुल्म होंगे, ताकतवर झूठे केस करवाएगा कमजोर पे, थानों में जुल्म, जमीनों पे कब्जे, हर जगह कमजोर आदमी पिसेगा। आज जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मुल्तान ये सुन लो, मेरे पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, आज ये याद रखें कि जो दल दल में हमें इन्होंने फंसा दिया है 4 महीने में, इससे अब सिर्फ एक तरह हम निकलेंगे। बैरून मुल्क जिनसे हम इमदाद मांगते हैं वो अब नहीं देंगे, वो अगर देंगे भी तो वो हमारी आजादी छीनेंगे। इसलिए एक ही तरीका है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, ये हमारा सबसे बड़ा एहसास है, और इसको जिस दिन इनमें से 1 करोड़ में से 5 लाख ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, अरबों डॉलर मुल्क में आ जाएगा। ये हैं जो लोग हमें आजाद करेंगे बैरूनी मुल्क के कर्जों से, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे जब तक हमारा इंसाफ का निजाम ठीक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, जब तक उनको ये एतमाद ना हो कि जब वो सरमायाकारी करेंगे उनसे फ्रॉड नहीं होंगे। वो इसलिए दुबई चले जाते हैं, वो मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते। तो जो मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ने आगे बारी दी, तो मैं आज सबसे पहले अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करूंगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और उसके लिए अपना इंसाफ का निजाम इसको बेहतर करेंगे, और उसकी वजह से इंशाल्लाह ये आप देखते रहेंगे कि बजाय किसी के सामने हाथ फैलाए हम पाकिस्तान को उठा देंगे, और इंशाल्लाह वो मुल्क बनेगा जो इसको बनना चाहिए था 75 साल पहले। आखिर में मुल्तान मुझे ये बताओ कि ये जो भाग गए हैं मैच खेलने से, ये जो भगौड़े हो गए हैं, मुझे पूरा यकीन था कि इन्होंने इलेक्शनों से भागना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे पता था कि इनकी कैंपेन टांगनी शुरू हो गई है, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये जो जलसे देख रहे हैं, ये जो पब्लिक को देख रहे हैं,
जिस तादाद में पब्लिक निकल रही है, गर्मी में, गर्मी हो बारिश हो पब्लिक निकल रही है, इनको पता है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है जाके, डर रहे हैं। जो 17 जुलाई को पंजाब के 20 बाय इलेक्शन हुए, पूरी धांधली के बावजूद, धांधली की इतना इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में मैंने ऐसा नहीं देखा, जो मुकम्मल तौर पे इनके साथ मिलकर धांधली करता है। उसने भी धांधली की, इंतजामिया भी इनके साथ, मिस्टर एक्स एक्स ने भी मदद की, सबके बावजूद, सबके बावजूद इनका सफाया हो गया। 2 इलेक्शन धांधली का इन्होंने जीते हैं, बावजूद सफाया हो गया। तो आप डर रहे हैं, मुल्तान इनको खौफ आ गया, डर रहे हैं। अब इनको ये खौफ है कि ये अगर इलेक्शन हो जाता है इतवार को, तो 3 और सीटें गिर जानी थी इनकी, 3 और विकटें गिर जानी थी। और उसके बाद 25 सितंबर को, आपको पता है मैं 9 हलकों में खड़ा हूं, और मेरा चैलेंज है कि इंशाल्लाह जब भी वो 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 9-0 रिजल्ट आएगा धांधली के बावजूद। ये सही है। जब आपको पता पुराने जमाने में क्या होता था, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अपने अपने अंपायर होते थे, हम जब हिंदुस्तान मैच खेलने जाते थे उनके अपने अंपायर होते थे, वो जब पाकिस्तान खेलने आते थे हमारे अंपायर थे, वो पाकिस्तान में नहीं जीत सकते थे, जिधर हमारी टीम को मुश्किल पड़ती थी अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे, उधर जब जाते थे तो उधर जब हम मैच जीतने लगते थे उनके अंपायर मदद करने के लिए आ जाते थे। तो वाहिद कप्तान था, हिंदुस्तान गया, उनके अंपायर थे, उनके अंपायरों के बावजूद आपका कप्तान जीत के आया। और इस बारी मुल्तान, इस बारी पहले हमने 17 जुलाई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ मिलकर बैटिंग की, उसको भी हराया, इनको भी हराया, इंतजामिया भी इनकी थी उसको भी हराया, और मिस्टर एक्स को भी हराया। और इंशाल्लाह अब भी जब भी इलेक्शन होंगे, मेरा सबको चैलेंज है कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, जो मर्जी करो। पूरी कोशिश है इनकी कि किसी तरह इमरान खान को मैच से निकाला जाए। ये हमारे, हम जब छोटे होते थे ना मुल्तान, हम जब छोटे होते थे तो जब आपस में क्रिकेट मैच खेलते थे तो जो टीम हार रही होती थी वो विकेटें उठा के भाग जाती थी। ये इन्होंने किया, हार रहे थे विकेटें उठा के चले गए, मैच ही कैंसिल कर दिया इन्होंने। लेकिन मेहरबानों, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जिस तादाद में हमारी ख्वातीन आई हैं, मेहरबानों ने सुना, बड़े जलसे किए, और अपनी औरतों को, और ये याद रखें, जिस कौम की औरतें बेदार हो जाए, शऊर आ जाए, वो कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा, कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा। आजकल आजकल हालात ऐसे हैं मुल्तान, आजकल हालात ऐसे हैं
के वाले जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज माशाल्लाह कौम ऐसी बेदारी आई है और शऊर आया है कि वो ये दो जमातों को 30 साल से देख रही थी, और आज ऐसी बेदारी है कि जो भी आज कोशिश करें, औरतें बच्चे नौजवान बल्कि बूढ़े भी आप फैसला कर बैठे हैं कि इन दो जमातों के साथ नहीं चलना, जिन्होंने सारी जिंदगी इनको सपोर्ट की थी। बस मैं आज मुल्तान आपका हैट्रिक के जलसा किया, मैंने तीन जलसे 3 महीने में, मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस गर्मी में और जिस सुकून में और जिस शऊर से आपने मेरी बातचीत सुनी, आएंगे मुल्तान, आपने मेरे से वादा करना है कि इनको ऐसा फेंटा लगाना है, ऐसी शिकस्त देनी है कि अगले इलेक्शन में आपने 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दलवानी है, 2/3 अक्सरियत, ताकि हम इस मुल्क में वही हकीकी आजादी का इनकलाब ला सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।